धाकड़ खबर, बेखौफ सुबह, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अक्रम रईस खान। 8 पुलिस वालों की हत्या के बाद जिस तरीके से कानपुर पुलिस एक के बाद एक एनकाउंटर पर एनकाउंटर कर रही है, उससे लग रहा है कि कानपुर पुलिस बहुत ही सजग है, बहुत ही होशियार है। पत्ता हिलने से पहले ही पेड़ काट डाल रही है। आपने तिरंगा फिल्म देखी है, उसमें डायलॉग है राजकुमार का, बहुत ही खतरनाक कमांडोज है जानी, पत्ता हिलने से पहले ही पेड़ काट डालता, तो उस स्टाइल में काम कर रही है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ किडनैपिंग के एक मामले में पिछले 22 दिन से पुलिस के हाथ खाली हैं, जबकि पुलिस ने किडनैपर्स को 30 लाख रुपये भी दिलवा दिए हैं। कल ये खबर मैंने आपके सामने रखी थी। अब इस मामले में ताज़ा अपडेट आ रहा है कि दबाव देकर जो लड़का लापता है उसकी बहन से बयान पर बयान दिलवाए जा रहे हैं, उसके बयान बदलवाए जा रहे हैं। तो कैसे कैसे वो बयान बदलवाए जा रहे हैं वो मैं आपके सामने रखूंगा। और दूसरे, एक थानेदार सस्पेंड हुआ है और थानेदार के सस्पेंड होने के बाद खनन माफिया के साथ उसका एक ऑडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो बातचीत कर रहा, कह रहा अच्छा वो दरोगा कह रहा है वहाँ को खनन की गाड़ियाँ नहीं गुजरने देगा, थानेदार मैं हूँ यहाँ देख लूँगा, टेंशन मत लेना, वो भी आपके सामने रखेंगे। और तीसरे पहलू में बात करेंगे कि एसपी साउथ और क्राइम ब्रांच के प्रभारी के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही। लेकिन शुरुआत करते हैं पहले पहलू के साथ। तो पहले पहलू में बात करते हैं किडनैप युवक को, यानी कि अगवा युवक को बरामद करने के बजाय पुलिस उसके परिवार से बयान बदलवा रही है। कैसे हम ये बात कह रहे हैं वो आपको बता देते हैं। कल हमने आपके सामने जो खबर रखी थी उसमें एसएसपी ऑफिस में पहुंचकर पूरे परिवार ने हंगामा किया और पुलिस पर आरोप लगाया कि पुलिस ने 30 लाख रुपये दिलवा दिए लेकिन हमारे बच्चे को, हमारे भाई को बरामद नहीं किया है। अब इसके बाद एक वीडियो उसी लड़की का, जो उस लड़के की बहन है, सामने आया है जिसमें वो कह रही ना साहब हमारे 30 लाख रुपये न गए, क्यों तो हमें किसी लोगों ने कह दिया था कि अगर हम ऐसे बोल दें तो पुलिस दबाव में आके जल्दी काम करेगी। अब उसकी ज़बानी आप सुन लीजिए। कि क्या मामला है रुचि बताइए आप। सर मैं, मेरा नाम रुचि, मैं संजीव की बहन हूँ। पैसे वाली बात झूठी, मुझसे लोगों ने कहा था कि आप पैसे कहिए तो पुलिस की तेजी होगी काम में, इतने दिन हो गए थे लेकिन मेरे भाई का कुछ पता नहीं चल रहा है। अब सर ने टीम लगाई है तो मुझे उम्मीद है, कप्तान सर की टीम से मुझे उम्मीद है कि मेरा भाई 4 दिन में मुझे मिल जाएगा। ये 30 लाख वाली जो बात है झूठी है जी, तो बैग में पैसे नहीं थे। सुना आपने, वो बता रही है बैग खाली था। लेकिन कुछ ही देर बाद उसका एक और वीडियो आया जिसमें उसने आरोप लगाया कि क्राइम ब्रांच के कुछ अफसर, कुछ अधिकारी, कुछ कर्मचारी हमारे घर आए, उन्होंने मुझ पर दबाव बनाया और कहा कि तुम जो ये बयान दे रही हो ये ठीक नहीं होगा, इससे तुम्हारे भाई की जान जा सकती है, तुम अपना बयान बदल लो। इसलिए मैंने बयान बदला था, हमारे तो 30 लाख रुपये गए हैं, कहाँ से हमारे पास वो पैसा आया था, मेरा भाई आ जाएगा तब उसके बाद हम बताएंगे। सुन लीजिए उसी की ज़बानी, वो बता कैसे रही है। तो क्या हुआ था, अभी यूपी एसटीएफ का कुछ एक बयान आया है, एक वीडियो चल रहा है आपका, क्या हुआ था? क्राइम ब्रांच वाले आए थे, उन्होंने मुझसे कहा था रुचि अगर आप ऐसा बयान नहीं दोगी तो आपके भाई की जान को खतरा हो सकता है, वो चिढ़ जाएगा, वो आपके भाई को कुछ भी कर सकता है। तो मैंने कहा सर मैं कुछ भी कर सकती हूँ अपने भाई के लिए, आप अगर कह रहे हो इससे मेरे भाई की जान बच सकती तो मैं कह दूंगी। अच्छा, कौन आए थे क्राइम ब्रांच से, कोई नाम उनका कौन थे? आज से पहले भी आए हैं या आज पहली बार आए थे? आए हैं, कल से वो टीम लगाई गई है। अच्छा, तो उन्होंने बोला कि आपको ये बोलना है मीडिया को? बोलना है, नहीं तो वो कुछ भी आपके भाई के साथ कर सकता है, फिर हम कैसे लाएंगे? तो बैग में जो पहले आपने कहा था कि बैग खाली था, बैग में पैसे नहीं थे, बैग में पैसे थे इसका जी, मतलब जी पैसे थे। अब पैसे कैसे अरेंज किए कैसे नहीं किए ये जिस दिन मेरा भाई आ जाएगा उस दिन हम सब बता देंगे कि कैसे अरेंज किए, क्या किया मैंने। दोनों वीडियो देखकर आपको क्लियर हो गया होगा कि पुलिस अपहत युवक को, किडनैप शख्स को, अगवा शख्स को बरामद करने के बजाय परिवार से बयान बदलवा रही है। ये हाल है कानपुर की पुलिस का, जो एनकाउंटर में किसी को भी कहीं भी ठोक दे रही है। 16 साल के एक बच्चे प्रभात मिश्रा को भी एनकाउंटर में मार चुकी है, सीधे सीने में गोली मारी, टायर पंचर हो जाने के बाद वो भाग रहा था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ 22 जून से जो ये लड़का किडनैप है इसको पुलिस बरामद नहीं कर पाई है, जबकि तमाम रिकॉर्डिंग हैं एक ही तरीके के नंबर से, वो किडनैप पर 18 बार बात कर चुका है। कल हमने आपके सामने ऑडियो रखी थी, उस वीडियो को आप दोबारा देख सकते हैं, हमने उसमें ऑडियो लगाया था जब वो पैसे लेने की बात हो रही थी, तो लगातार इतने लंबे टाइम तक उससे बात कर रहा था लड़के के पिता से और पैसे लेकर फरार भी हो गए, पुलिस पकड़ नहीं पाई है, लेकिन बयान बदलवा रही है। अब दूसरे पहलू की तरफ चलते हैं।
ये तमाम आरोप लगने के बाद एसएसपी दिनेश कुमार पी हरकत में आए और उन्होंने बर्रा थाने के थानेदार रंजीत रॉय को सस्पेंड कर दिया। साहब बहुत बड़ा क्रांतिकारी काम कर दिया। खैर कोई बात नहीं, क्रांतिकारी काम कर दिया, जाने दीजिए। लेकिन अब जो मामला सामने आ रहा है, क्या उसके बाद भी वो कोई क्रांतिकारी कदम उठाएंगे थानेदार रंजीत रॉय के खिलाफ? हालांकि वो थानेदार नहीं रहा है, तो उसका एक ऑडियो वायरल हो रहा है, इसलिए उस पर यह सवाल खड़ा हो रहा है, जिसमें फतेहपुर के रहने वाले एक खनन माफिया से, जो अवैध खनन करता है, उससे बर्रा थानेदार बात कर रहे हैं, उसके गुर्गे से बात कर रहे हैं। असल में गुर्गा बता रहा है, साहब मैं चौकी पे गया था, मुझे वहाँ चौकी इंचार्ज कहने लगा, देखो ये मेरा क्षेत्र है, यहाँ से खनन गुजारोगे तो मैं छोड़ूंगा नहीं, 112 पे कॉल कर दूंगा, खनन अधिकारी को बुला के तुम्हारी गाड़ियों को बंद करा दूंगा, तुम्हारे खिलाफ FIR दर्ज करा दूंगा। मैंने उसको बताया भी कि मैं थानेदार से मिलकर आ चुका हूँ, लेकिन वो फिर भी बाज नहीं आ रहा। तो थानेदार ने कहा कोई बात नहीं, तू गाड़ी लेके आ, जब वो तेरी गाड़ी को रोकेगा तो हमें बताना। अब आप वो ऑडियो सुनिए। हेलो, उनकी रिकॉर्डिंग रखी हो भैया? डायरेक्ट मिलेंगे ना? हाँ, डायरेक्ट मिलने गए थे वहाँ चौकी। हाँ, तो यही बोल रहे थे, तो हमको भैया बात कर ले। अभी गए थे? हाँ अभी गए थे। बोल रहे थे कि तुम दिन में सुसाब के पास गए थे, तो तुम ही थे ना तुमको? हाँ। कहने क्या बात हुई? तो हमको भैया बात हो गई है। तो कहा थे भैया से क्या? कहने सब क्या चलेंगे? तो कहा चलवा लेंगे क्या? कहने जब तक हमारे क्षेत्र में डालोगे तो हमारे वो बनता है। तो कहा नहीं, कैसे नहीं चल पाएगा, ज्यादा करेंगे तो हमें दोबारा डायल करा देंगे। खनन का एक नंबर देखा है, खनन बाबू गैर को गैर कहा थे। हाँ हाँ, तो कहा हम खनन बाबू को बुला के रिपोर्ट करवा देंगे। ठीक है, तुम कहो रिपोर्ट करा दो। तो वही चीज हमने भैया बताया, तो कह रहे सुसाब को बता दो तुम ये बात, तो हमको ठीक बताया गया ना। नहीं, तुम करो, जो खनन बुलाने थे तो देखते हैं कैसे कर सकते हैं। तो ठीक भैया, गाड़ी फिर भेज दे। ठीक, पकड़ेंगे तो भैया फोन करेंगे ना। ठीक, प्रणाम भैया, प्रणाम। ये हालत है उत्तर प्रदेश पुलिस की, सिर्फ पैसा चाहिए, चौकी इंचार्ज अलग लड़ रहा है पैसे के लिए कि थानेदार से बात करी है तो क्या है, हमारा शेयर दे, और थानेदार कह रहा है जब मैंने ले लिया है तो चौकी इंचार्ज कैसे लेगा। ये बंदरबाड़ चल रही है पैसे की। अब आप देखिए यहाँ पे सवाल फिर SSP दिनेश कुमार पी पर कि वो इस मामले को लेकर क्या एक्शन लेंगे। अब यहाँ सवाल है SSP दिनेश कुमार पी पर, वो इस मामले में क्या एक्शन लेंगे। चलते हैं अगले पहलू की तरफ। आखिर SP साउथ पर और क्राइम ब्रांच के इंचार्ज पर क्यों कार्रवाई नहीं की जा रही है? अब आप कहेंगे ये अजब से क्या पहलू निकाल के लिया है, कल भी हमने आपके सामने वीडियो में रखा था कि ये जो लड़का किडनैप है, इसकी बहन चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि SP साउथ अपर्णा गुप्ता जो है वो इस मामले में सर्वे सर्वा है, उनके निर्देशन में टीम बनाई गई थी, वही पूरे मामले को सुपरविज़न कर रही थी, उन्हीं के कहने पे पैसा दिया गया, तो उनसे ना तो पूछताछ की जा रही है ना उनके खिलाफ जांच की जा रही है। अगर आपको याद नहीं है तो थोड़ी सी क्लिप यहाँ उस लड़की की रख देते हैं। बजे हम अपर्णा मैडम के पास गए थे, हमारा भाई का किडनैप हुआ, फिरौती का फोन आ रहा है, कल लास्ट उसने कॉल की कि पैसे लेके आओ, हम लोगों ने पैसे का इंतजाम किया, हम दोपहर में हम माँ बेटी अपर्णा मैडम के पास गए, हमने कहा मैडम बैग तो जा रहा है, उसमें कुछ ही पैसे चीज लगा दीजिए कि वो मेन तक जाए, क्योंकि वो खुद तो पैसा लेने नहीं आएगा, ये आप भी जानते हो। मैडम ने कहा वो बैग हमारा रहेगा, पैसे आपके रहेंगे। हमने कहा ठीक है मैडम, कहते बाइक भी मेरी रहेगी। हमने कहा ठीक है, कहते वो सारा इंतजाम हो जाएगा, तुम चिंता ना करो, वो सब हम करेंगे। हमने कहा ठीक है मैडम, उसमें चिप लगा दीजिए। हमारे कहने के बाद भी उसमें चिप नहीं लगाई गई। ये अपर्णा मैडम, ये साउथ SP है। पुलिस से शिकायत है, पैसे भी मेरे दिलवा दिए और मेरे भाई को भी नहीं मिलाया। पुलिस ये कह रही थी कि पैसे तो हम हासिल कर लेंगे, पहले आपका बच्चा मिल जाए। पुलिस एक एक सब साथ में थी, नीचे हाईवे से उसने पैसा बिकवाया। आधे घंटे तक मेरे पापा से बात भी करता रहा। क्या पुलिस के समझ में नहीं आया कि नीचे पैसा बिकवाया जाएगा? और सर खुद कह रहे थे, रंजीत राय सर कह रहे थे, देख लेना चमनलाल नीचे पैसा बिकवाएगा। जब ये सब इन्हें पता था, जो मेरे पापा के दोस्तों मेरा बुआ का लड़का लगा था, उनको हटा के इन्होंने इतनी देर में सारा मेरा पैसा भी चला गया। मेरा भाई भी मेरे हाथ नहीं लगा, पैसा मेरा मकान भी बेचा था, मेरी शादी का पैसा था, जो ज्वेलरी थी वो भी सब हमें हमारा भाई चाहिए था। हमने मैडम से कहा था मैडम हम कुछ व्यवस्था कर ले, तो मैडम बोली यहाँ जाइए आप अपनी व्यवस्था करिए जाके। हमने मैडम से कहा था मैडम वहाँ की लोकेशन मिल जाएगी, चिप लगवा दीजिए, मेरी किसी ने नहीं सुने।
मेरी किसी ने नहीं सुनी। पुलिस यही कहती रही, मैडम भी यही कहती रही, आप दिलासा रखिए कि आपको भरोसा नहीं है। मैडम ने अड़का दिया था कि आप इतनी छोटी छोटी बात हमसे बताने आ रही हो, हमने सोचा बहुत इम्पोर्टेंट बात हो रही है। वो सर की टीम लगी है, टीम लगी रही तो क्यों नहीं पकड़ पाए उसको, बताइए। सुन ली आपने, वो अपना गुप्ता पर सीधे सीधे सवाल खड़े कर रही है, लेकिन अपना गुप्ता से कोई पूछताछ नहीं की जा रही है। आखिर क्यों पूछताछ नहीं की जा रही है कि 22 दिन से वो लड़का कहाँ लापता है, क्यों नहीं ढूंढ पा रही हैं, कौन है वो किडनैपर, लगातार 18 बार फ़ोन कर रहे हैं, एक ही नंबर से फ़ोन कर रहे हैं, फिर भी उनको नहीं पकड़ पा रही है, तो सवाल होना चाहिए। दूसरा एक अहम चीज़ ये आ जाती है इसी में कि वो क्राइम ब्रांच यानी कि SOG की टीम कौन थी जो घर गई और इस लड़की पे दबाव बनाया, उन सब के नाम सामने आने चाहिए, उनको सबको सस्पेंड किया जाना चाहिए, उन सब के खिलाफ़ FIR दर्ज की जानी चाहिए, क्योंकि मामला कोई हल्का नहीं है। 30 लाख रुपए दिलवा दिए गए हैं और फिर बाद में कहा जा रहा है कि ये कह दो 30 लाख रुपए नहीं गए, आखिर पुलिस ने 30 लाख रुपए दिलवाए क्यों? तो आरोप कल वो लगा रही थी कि शायद पुलिस की भी उसमें मिली भगत हो सकती है, तो ये जांच भी होनी चाहिए कि क्या पुलिस की इसमें मिली भगत है और पुलिस ने अपने फ़ायदे के लिए पैसे दिलवा दिए हैं और बाद में अपनी भी कोई इसमें हिस्सापति कर ली है, क्योंकि धंधा पानी तो भाई सबको चाहिए, चाहे किसी का मर्डर हो, चाहे किसी का बलात्कार हो, सब कुछ तमाम चीज़ों में पैसा तो इंसान को चाहिए, और ख़ासकर पुलिस के कुछ लोगों को, हर एक को तो नहीं कह सकते, लेकिन क्या करें, पैसा दे के भर्ती होते हैं और पोस्टिंग भी पैसा दे के पाते हैं, तो इसलिए उन्हें भी लगता है कि जो बोर्ड बटोर सको तो बटोर लो। ये नंगा रूप कानपुर की पुलिस का क्या कहना है आपका इसके बारे में, कमेंट्स के रूप में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए अवलस्ते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।